नमस्कार मित्रों, आज हम कायस्थ कुलभूषण सुकुमार सेन जी के बारे में जानेंगे जो भारत के पहले चुनाव आयुक्त थे। सुकुमार सेन भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे जो 31 मार्च 1950 से लेकर 19 दिसंबर 1958 तक इस पद पर रहे। इनकी सेवाओं के लिए सन 1954 में इन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। ये पश्चिम बंगाल से थे। स्क्रीन पर आप तस्वीर देख रहे हैं सुकुमार सेन जी की। तो सुकुमार सेन का जन्म 1899 और मृत्यु 1961 में हुई थी। ये एक भारतीय सिविल सर्वेंट थे, सिविल सेवक थे, जो भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे। 21 मार्च 1950 से 19 दिसंबर 1958 तक सेवा करते रहे। उनके नेतृत्व में चुनाव आयोग ने सफलतापूर्वक भारत के पहले आम चुनावों का संचालन और निरीक्षण किया। सोचिए कितना कठिन दौर रहा होगा जब भारत का पहला आम चुनाव है, तो उस समय इन्होंने लोहा लिया था। ये एक गणितज्ञ थे, सिविल सेवक भी थे, आगे इनके बारे में और जानेंगे। तो 1951-52 में और 1957 में उन्होंने सूडान में पहले मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में भी कार्य किया। तो भारत के पहले चुनाव आयुक्त तो थे ही, सूडान के भी पहले चुनाव आयुक्त थे ये। सेन केंद्रीय कानून मंत्री और एक प्रसिद्ध भारतीय बैरिस्टर अशोक कुमार सेन के बड़े भाई थे। एक और भाई अमीय कुमार सेन प्रख्यात डॉक्टर थे, जो रविंद्रनाथ टैगोर को जीवित देखने वाले अंतिम व्यक्ति थे। तो इनके भाइयों में एक भाई थे जो इनके और रविंद्रनाथ टैगोर को देखने वाले अंतिम व्यक्ति थे। सेन का जन्म 1899 में बंगाली वैद्य कायस्थ परिवार में हुआ था। वह एक जिला मजिस्ट्रेट के बड़े बेटे थे। उनकी शिक्षा कोलकाता के प्रेसिडेंसी कॉलेज और लंदन विश्वविद्यालय में हुई थी। उन्हें बाद में गणित में स्वर्ण पदक से सम्मानित किया गया। 1921 में सेन भारतीय सिविल सेवा में शामिल हुए और विभिन्न जिले में आईसीएस अधिकारी के रूप में और न्यायाधीश के रूप में कार्य किया। 1947 में उन्हें पश्चिम बंगाल का मुख्य सचिव नियुक्त किया गया, जो सबसे वरिष्ठ रैंक का था। नेहरू को भारत का पहला आम चुनाव कराने की जल्दबाजी थी। इतनी बड़ी जिम्मेवारी को सफलतापूर्वक पूरा कराना भी एक बहुत बड़ा चैलेंज था। ऐसे समय में सुकुमार सेन ने मोर्चा संभाल लिया। सुकुमार सेन एक गणितज्ञ थे। गौर कीजिए, भारत का पहला आम चुनाव जहां 176 मिलियन मतलब 176 × 1000 भारतीय जिनकी आयु 21 या अधिक है, जिनमें से लगभग 85% पढ़ या लिख नहीं सकते थे, अनपढ़ थे। प्रत्येक मतदाता की पहचान, नाम, पंजीकरण किया जाना था। मतदाताओं का यह पंजीकरण केवल पहला कदम था। ज्यादातर अप्रकाशित मतदाताओं के लिए एक पार्टी डिजाइन बैलेट पेपर और बैलेट बॉक्स कैसे डिजाइन किए गए, तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज था पहला आम चुनाव कराना और उसका पूरा डिजाइन करना, पूरा उसका चरणबद्ध तरीके से मतदान कराना सफलतापूर्वक। तो ये सुकुमार सेन जैसे प्रतिभाशाली लोग थे, व्यक्ति थे, तो ही संभव हो पाया। तो इतना बड़ा योगदान है इनका। सेन बर्धमान विश्वविद्यालय के पहले कुलपति भी थे, जो 15 जून 1960 को शुरू हुआ। उदय चंद महताब और पश्चिम बंगाल के तत्कालीन मुख्यमंत्री डॉक्टर विधान चंद्र राय ने इस विश्वविद्यालय की स्थापना की थी और इनके सम्मान में जो है इन्होंने जीटी गोलबाग सड़क, बर्धवान रोड का नाम उनके नाम पर सुकुमार सेन रोड किया, रखा गया। इनकी सेवाओं के लिए सन 1954 में इन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। तो कैसी लगी आपको ये जानकारी, कमेंट करके ज़रूर बताएं और इस वीडियो को अपने कायस्थ भाइयों में ज़रूर शेयर करें। नमस्कार।